नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, और ऐसे में आपने अभी तक अपने सीएससी सेंटर पे दो ऐसी एक्टिविटी जो अभी नई गाइडलाइन सीएससी की तरफ से जारी की गई हैं वो नहीं कर रखी हैं, तो उसके हिसाब से आपका सीएससी आईडी बहुत जल्दी डिलीट कर दिया जाएगा। ये जानकारी त्यागी सर ने अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। क्या जानकारी है और क्या क्या काम आपको करने हैं वो सारी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, और कैसे करने हैं, कैसे ऑनलाइन करने वो सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों में पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि और भी भाई लोगों को इसके बारे में पता चल सके और हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोज लाने का, ठीक है। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको किसी और प्रोजेक्ट को लेकर कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो अभी बिना देर किए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक इंपॉर्टेंट लिंक दे दिया है, जहां से जाके आप सीएससी फिजिकल वेरिफिकेशन यानी कि जो नया अपडेट है उसके बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जो सीएससी की तरफ से ऑफिशियली लॉन्च की गई है वो जाके डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। बाकी अगर आप त्यागी सर को ट्विटर वगैरह फॉलो करते हैं तो वहां से भी आई थिंक आपको इसके बारे में अपडेट मिल गया होगा कि अभी सीएससी की तरफ से जो फिजिकल वेरिफिकेशन एंड पुलिस वेरिफिकेशन की प्रोसेस थी वीएलईज के लिए वो ऑप्शनल रहती थी। ऑप्शनल मींस यानी कि जो अगर कोई वीएलई कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, यानी कि बैंक वीसी हो गया, आधार का काम कर रहा है, या कोई सरकारी और प्रोजेक्ट उसको दिया जाता था, तो उसी के लिए मैंडेटरी होता था कि वो अपना पुलिस वेरिफिकेशन और जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता था उसकी प्रोसेस को कंप्लीट करवाते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि सभी सीएससी वीएलई के लिए ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन एंड पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस है मैंडेटरी कर दिया गया है, और उसके साथ में कहा गया है एवरी सीएससी नीड टू बी फिजिकली वेरीफाइड, अनवेरीफाइड सीएससी विल बी डिलीटेड, ठीक है। तो एक बड़ा अपडेट है कि जितना भी अनवेरीफाइड सीएससी वीएलई है जिनका भी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा वो डिलीट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हो तो आपको ये वेरिफिकेशन की प्रोसेस कैसे कंप्लीट करनी है, कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, और यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बताने के लिए मैंने यहाँ पे जो डिटेल आर्टिकल लिखा है वहाँ पे अगर आप जाओगे तो ए टू जेड सोल्यूशन आपको वहाँ से मिल जाएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसका भी सोल्यूशन मैंने वहीं पे लिख दिया, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि फिजिकल वेरिफिकेशन होता क्या है, जिन भाई लोगों को नहीं पता है, क्योंकि कई सारे लोगों को नया सी एस सी आई डी मिला होगा तो आई थिंक उनको ना जानकारी हो, तो और काफ़ी लोगों ने नया सी सी आई डी के लिए अप्लाई किया है उनको भी शायद इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, तो उसके लिए मैं बता दूँ यहाँ पे दोस्तों सी एस सी फिजिकल वेरिफिकेशन के भीतर क्या होता है कि जैसे कि आप किसी सी एस सी सेंटर कहीं पे भी चला रहे हैं तो भारत में लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा सी एस सी सेंटर है अभी सी एस सी के अंडर में, तो हर सी एस सी सेंटर कहाँ पे है, किस ग्राम पंचायत में है और उसकी तो ये जानकारी है उसके पास, लेकिन एक्चुअल में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है उसका, वहाँ पे सीएससी का एक एम्प्लॉई जाके ये चीज़ चेक करता है कि आपके सीएससी सेंटर पे जहाँ पे आपने बता रखा है वहाँ पे है या कहीं और है, आपके सिस्टम वगैरह क्या क्या है, आपने क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों की जाके लाइव फ़ोटो खींचता है इस तरीके से आपके सेंटर पे सामने खड़े करके आपको, और जो भी चीज़ें उसमें इन्फॉर्मेशन वगैरह रहती हैं वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके उसमें अपडेट कर देता है, ताकि एक डाटा हो जाता है सीएससी के लिए वेरीफाइड डाटा कि इतने सेंटर को हमें हमेशा सारी चीज़ें पता है कि अगर कुछ भी हमें प्रॉब्लम रहती है या कल को कोई भी इन्फॉर्मेशन इस सेंटर से रिलेटेड चाहिए तो हम तुरंत ही कि बिना किसी से पूछे हुए नहीं डायरेक्टली उस एड्रेस पर जाके अपनी गाड़ी रोकेंगे, वहाँ पर हमारा सीएससी सेंटर मिलेगा, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि सीएससी सेंटर कहीं पर है और चल कहीं रहा हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद वो सारी चीज़ें वेरीफाइड सीएससी के डेटाबेस में अपडेटेड हो जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअसली सीएससी क्या करती है, फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलाती है अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से, अपने जितने भी सीएससी वीएलई का डाटा है उनके यहाँ पे भेजती है सेंटर पे, और वहाँ पे वो फिर फोटो वगैरह अपलोड करते हैं खींच के, ये सी सेंटर यहाँ पे है और ये वेरीफाइड है, ठीक है। तो ये होता है फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा किया जाता है। अभी बात करते हैं कि बहुत सारे वीएलई भाइयों का कंफ्यूजन है कि जिनको अभी तक आईडी नहीं मिला है, अप्लाई किया है, क्या उनको वेरिफिकेशन करवाना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियर कर दूं कि ये फिजिकल वेरिफिकेशन सीएससी आईडी मिलने के बाद की प्रोसेस है, यानी कि अगर आपने नई सीएससी आईडी के लिए अप्लाई किया अभी मिला नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक नया सीएससी वीएलई हो या पुराना सीएससी वीएलई हो, अभी तक आपके सीएससी सेंटर पर सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आके वेरिफिकेशन नहीं किए, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है काइंडली कॉन्टैक्ट योर सीएससी डिस्ट्रिक्ट टीम टू गेट योर सेंटर वेरीफाइड, यानी कि सीएससी अपनी जो भी डिस्ट्रिक्ट टीम है उसको कॉन्टैक्ट करना है। कहाँ से कॉन्टैक्ट करना है, नीचे देखो मैंने नंबर लिख दिए हैं, सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक करके जाओगे तो आपको कैसे अपने जिले के नंबर निकालने हैं वो मिल जाएंगे, उनको फ़ोन करके बताना है कि सर हमारा यहाँ पे फ़ोन करके एसएमएस ईमेल जो भी है उस तरीके से आप बता सकते हो कि यहाँ पे हमारा सीएससी सेंटर है, इतने दिन से हमने लिया हुआ है, अभी मिला हुआ है, जो भी है आपका जितना स्टोरी बता सकते हो कि ये है हमारा, आप किसी दिन आके हमारा फिजिकल वेरीफाई कर दीजिए, ठीक है। तो अभी हो सकता है एकदम से ये अपडेट आया है तो थोड़ी सी भीड़ हो, तो थोड़े दिन बाद आ जाए, 10-15 दिन महीने बाद, तो वो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, आप उनका वेरीफिकेशन करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है फिजिकल वेरीफिकेशन। अभी दूसरा इसी के साथ में देखो क्या है लिखा हुआ है
पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको करवाना है। तो अगर आप पुराने वीएलई हो तो आई थिंक पुलिस वेरिफिकेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन से वाकिफ होंगे, लेकिन अगर आप नए वीएलई हो तो बता देता हूँ कि जैसे कभी सरकारी नौकरी करते हो या कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई वगैरह करते हो वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जाता है, वैसे आप सीएससी सेंटर को भी चलाने के लिए आपका पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि पुलिस वाला चरित्र प्रमाण पत्र जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्या है, अभी तो जिनको जिनको जरूरी काम मिलता था उन्हीं को लगता था, लेकिन अभी सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यहाँ पर देखो सीएससी पुलिस वेरिफिकेशन कैसे ऑनलाइन करें उसका भी लिंक दे दिया है, उस पर जाके आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पुलिस की वेबसाइट है, पुलिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उस पर कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें सीख सकते हो, और सीएससी वीएलई के लिए जो पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो अपना प्राप्त करके अपने सीएससी के साथ में अपडेट कर दोगे, तो आपको आने वाले समय में कोई भी सीएससी की तरफ से दिक्कत नहीं आएगी अगर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट है। अभी कई सारे दोस्तों को दिक्कत आती है कि कई सारे लोगों ने बोला कि सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कई दिनों से वो कांटेक्ट कर रहे हैं, कई महीनों से कांटेक्ट कर रहे हैं, अभी तक वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए। तो अभी तक क्या था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इस वजह से मे भी हो सकता है उनके ऊपर भी प्रेशर ना हो, लेकिन अभी क्या है क्योंकि ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है तो महीने दो महीने के भीतर सभी का, अभी क्योंकि लास्ट डेट कोई जारी नहीं हुआ है तो महीने डेढ़ महीने के भीतर आप सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टैक्ट में रह के अपना वेरीफिकेशन कम्प्लीट करवा लीजिए। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि कोई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपका सेंटर वेरीफाई ही नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना क्या कर सकते हैं कि लिखित कंप्लेंट सीएससी स्टेट ऑफिस को सौंप सकते हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है सर आप हमारी मदद करें, तो वहां से आपका काम खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका सीसी आईडी डिलीट नहीं होगा और आपका सेंटर भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि अगर वो नहीं आएंगे तो आपका इस तरीके से कोई दिक्कत आएगी, जो अगर कोई दिक्कत आती है तो आप वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, अगर कोई भी दिक्कत है तो हम आपके यहाँ पर भी उसके लिए बात कर सकें। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है अभी लास्ट डेट कोई नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जो प्रोसेस बताया उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आसानी से आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए।